देखिए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, साइंस विद प्रैक्टिकल बाई प्रकाश सर। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे अम्ल और क्षार का परीक्षण करना, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो सभी लोग तैयार हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले दो ग्लास लेंगे, ठीक। एक ग्लास में हम लोग रखेंगे सोडा। सोडा जानते हैं सभी लोग, सोडा जो दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़ा साफ करने वाला चीज जो कि हमने घर से लाया है, ठीक। आइए इसको इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा लाने देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं। ये हो गया आपका तैयार, ठीक। और एक ग्लास में, हालांकि यहाँ ग्लास की आवश्यकता नहीं होगी, इसको रख देते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित करते हैं। ये है आपका नींबू, और जानते हैं नींबू खट्टा चीज होता है, और खट्टे चीज क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एसिड। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, तो अब रहा आपका एक तरफ एसिड और एक तरफ रहा आपका क्षार। तो ये कहने की बात है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे, तो विज्ञान की दुनिया टेस्ट के तर्क पर आधारित होती है, प्रश्न पर आधारित होती है, ठीक। तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो देखिए, उसके लिए हम लाए हैं लिटमस पेपर। क्या लाए हैं, लिटमस पेपर, ठीक। देखिए, यहाँ पर लिटमस पेपर है, यह है नीला लिटमस पेपर, इंग्लिश में इसको कहेंगे ब्लू लिटमस पेपर, और ये आपका है लाल लिटमस पेपर, ठीक, रेड लिटमस पेपर। आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका नीला लिटमस पेपर, इसका एक आम पोर्शन लेते हैं और लेकर के इसको निकालते हैं। इसका कलर कैसा है, सभी लोग बताइए, नीला। नीला कैसा है, नीला, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस नीले लिटमस पेपर को एसिड से कांटेक्ट कराएंगे। तो ये रहा एसिड, और जैसे ही हमने इसको एसिड से कांटेक्ट कराया, तो कांटेक्ट कराने पर इसका कलर आप देख रहे हैं, नीले से क्या हो गया, लाल। नीले से क्या हो गया, लाल, ठीक। बात समझ आया। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। स्पष्ट है, किसी प्रकार का क्वेश्चन, सब क्लियर है। तो अम्ल का परीक्षण क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस में बदलता है, लाल में, ठीक। इसको आप लोग के द्वारा भी करवाया जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे लाल लिटमस पेपर। तो यह है आपका लाल लिटमस पेपर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका प्रभाव अम्ल पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो पुनः हम अम्ल पर लगाते हैं, देखिए अम्ल पर लगाने पर क्या इस पे अम्ल का प्रभाव देखने को मिल रहा है, नहीं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि अम्ल लाल लिटमस पेपर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाता है, यह सिर्फ किस पे दिखाता है, नीले पे, ठीक। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए याद करना समझना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो याद रखिएगा अनीला, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है अनीला। तो याद रखेंगे अम्ल नीले को लाल में बदलता है, ये याद रहा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, इसका विपरीत गुण रखता है। आइए समझते हैं, इस लाल लिटमस पेपर को हम लोग कांटेक्ट कराएंगे इस सोडा और पानी के मिश्रण से। यह सोडा खाने वाला नहीं है, बल्कि कपड़ा साफ करने वाला है जो मार्केट मिलता है। अब इसमें हम इसको डालते हैं, देख लीजिए सभी लोग, ये किस कलर का लिटमस पेपर है, लाल। डाला जाए, तैयार है सभी लोग, चलिए देखिए। ये रहा मैजिक ऑफ साइंस, ठीक। तो ये किसमें बदल गया, ये बदल गया नीला में। तो बात स्पष्ट है, यानी कि किताब में जो चीजें बताई जाती है वो सत्य है, कि जो लाल लिटमस पेपर है वह ठीक क्षार के कांटेक्ट में आने पर किसमें बदल जाता है, नीले में। बिल्कुल स्पष्ट है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। कल हम पढ़ाएंगे दर्पण, तो उसमें आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रैक्टिकल कराएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट। देखिए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, साइंस विद प्रैक्टिकल बाई प्रकाश सर। तो आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे अम्ल और क्षार का परीक्षण करना, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, टेस्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो सभी लोग तैयार हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले दो ग्लास लेंगे, ठीक। एक ग्लास में हम लोग रखेंगे सोडा। सोडा जानते हैं सभी लोग, सोडा जो दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़ा साफ करने वाला चीज जो कि हमने घर से लाया है, ठीक।
आइए इसको इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा सलाने देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं। ये हो गया आपका तैयार। ठीक, और एक गिलास में, हालांकि यहाँ गिलास की आवश्यकता नहीं होगी, इसको रख देते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग व्यवस्थित करते हैं। ये है आपका नींबू, और जानते हैं नींबू खट्टा चीज होता है, और खट्टा चीज क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, तो अब रहा आपका एक तरफ एसिड और एक तरफ रहा आपका छार। तो ये कहने की बात है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो विज्ञान की दुनिया ये तर्क पर आधारित होती है, प्रश्न पर आधारित होती है। ठीक, तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। तो देखिए, उसके लिए हम लाए हैं लिटमस पेपर। क्या लाए हैं? लिटमस पेपर। ठीक, देखिए यहाँ पर लिटमस पेपर है, यह है नीला लिटमस पेपर, इंग्लिश में इसको कहेंगे ब्लू लिटमस पेपर, और ये आपका है लाल लिटमस पेपर। ठीक, रेड लिटमस पेपर। आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका नीला लिटमस पेपर, इसका एक हम पोर्शन लेते हैं और लेकर के इसको निकालते हैं। इसका कलर कैसा है सभी लोग बताइए? नीला। नीला कैसा है? नीला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस नीले लिटमस पेपर को एसिड से कांटेक्ट कराएंगे। तो ये रहा एसिड, और जैसे ही हमने इसको एसिड से कांटेक्ट कराया, तो कांटेक्ट कराने पर इसका कलर आप देख रहे हैं, नीले से क्या हो गया? लाल। नीले से क्या हो गया? लाल। ठीक, बात समझ आया? तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। स्पष्ट है? किसी प्रकार का क्वेश्चन? सब क्लियर है? तो अम्ल का परीक्षण क्या है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को किसमें बदलता है? लाल में। ठीक, इसको आप लोग के द्वारा भी करवाया जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे लाल लिटमस पेपर। तो यह है आपका लाल लिटमस पेपर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका प्रभाव अम्ल पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो पुनः हम अम्ल पर लगाते हैं। देखिए, अम्ल पर लगाने पर क्या इस पे अम्ल का प्रभाव देखने को मिल रहा है? नहीं। तो यहाँ से स्पष्ट है कि अम्ल लाल लिटमस पेपर पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाता है। यह सिर्फ किस पे दिखाता है? नीले पे। ठीक, इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, याद करना समझना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो याद रखिएगा अनीला, ठीक है? एक व्यक्ति का नाम है अनीला। तो याद रखेंगे अम्ल नीले को लाल में बदलता है। ये याद रहा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, इसका विपरीत गुण रखता है। आइए समझते हैं, इस लाल लिटमस पेपर को हम लोग कॉन्टेक्ट कराएंगे इस सोडा और पानी के मिश्रण से। यह सोडा खाने वाला नहीं है, बल्कि कपड़ा साफ करने वाला है जो मार्केट मिलता है। अब इसमें हम इसको डालते हैं। देख लीजिए सभी लोग, ये किस कलर का लिटमस पेपर है? लाल। डाला जाए? तैयार है सभी लोग? चलिए देखिए, ये रहा मैजिक ऑफ साइंस। ठीक, तो ये किस में बदल गया? ये बदल गया नीला में। तो बात स्पष्ट है, यानी कि किताब में जो चीजें बताई जाती है वो सत्य है, कि जो लाल लिटमस पेपर है वह ठीक छार के कांटेक्ट में आने पर किस में बदल जाता है? नीले में। बिल्कुल स्पष्ट है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। कल हम पढ़ाएंगे दर्पण, तो उसमें आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रैक्टिकल कराएंगे। ओके।